एक्सीडेंट के बाद इसके तीन मुख्तलिफ उसमें जो ना इसकी जो अफेक्ट है वो एक तो जहाँ ब्लॉकेट हुआ है उससे डाउन स्ट्रीम एक वो इलाके जो डायरेक्टली जो गांव जो है वो तबाह हो गए और एक वो इलाके हैं जो इवेंचुअली मतलब डे बाय डे वो झील के अंदर आ रहे हैं, स्टेम के अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद इसका चौथा भी एक पहलू है कि भाई वो इलाके जो मतलब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो 25,000 की पॉपुलेशन है उनका रबता जो है ना वो मुल्क के दीगर हिस्सों से कट चुका है। जो डायरेक्ट इसके इफेक्ट वो है इफेक्टीज है या नुकसान है उनमें अताबाद के अंदर इनिशियली जो लैंडस्लाइड के बाद नुकसान हुए थे इवेंचुअली यहाँ आइनाबाद के अंदर मेरे ख्याल अभी 15 घराने यहाँ डूब चुके हैं, थाउजेंड्स में बल्कि इवन मेरे ख्याल लाखों तक चले गए हैं जो लोगों के लोगों ने दरख्त लगाए थे जो प्लांट्स थे वो तबाह हो चुके हैं, 2000 के करीब जो कनाल की ज़मीन है वो इस वक्त डैम के अंदर आ चुके हैं और आने वाले महीनों में 200 घराने इस वक्त जो है वो अंडर थ्रेट है जो इस डैम के अंदर आएंगे। तो एक तो वो मतलब एक डायरेक्ट नुकसान है जो फैमिली से इफेक्ट हो गए, वो उनको गांव छोड़ना पड़ रहा है, उनको अपने घर बार छोड़ना पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ जो पूरा इलाका है ये खुंजा का बाकी नॉर्थ नीरज का सबसे बड़ा जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है और इसके अंदर की जो 25,000 पॉपुलेशन है उनके लाइवलीहुड का दारोमदार वो तीन उनके मेन सोर्सेज है, एक तो कैश क्रॉप जो आलू है, दूसरा टूरिज्म एक मेन सोर्स है यहाँ के लोगों का और उसके अलावा बहुत कम जो है वो सर्विसेज में है। इन्वेस्टमेंट जितना भी उनका इनकम है उनके तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो मेल एजुकेशन के ऊपर है, यहाँ से लोग कराची से लेकर मुंजा तक लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ लोगों की जो इनकम है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 80% वो इन्वेस्ट होता है एजुकेशन के ऊपर। अब इस इंसिडेंट के बाद जो इलाका मतलब एक तरह से कट चुकी है यहाँ से आने वाले साल और उसके बाद हमें नहीं मालूम कितने अरसे लगे लोग ना तो कैश क्रॉप उगा सकेंगे ना उनका इनकम टूरिज्म से हो सकता है, तो वो लोगों की बहुत बड़ी एक फियर है, एक मतलब ये ऐसा लॉस है जिनको हम लोगों को दिखा तो नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जो लैंड डूबे हैं या घर डूबे हैं लेकिन लोगों के हर घर इससे इफेक्ट हो चुके हैं। फिर एरियाज हैं मतलब शिमशाल है, चूरसन है, ये बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ तक बेसिक लाइवलीहुड की जो हुकूमत की वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ